इस वीडियो में बात करेंगे कि रशिया में कितनी कमाई हो जाती है और इंडियन यहाँ पे कितना कमा लेते हैं और कितने घंटे यहाँ पे काम करना पड़ता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप भी सब मेरी तरह अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रशिया में कितनी कमाई हो जाती है, जो इंडियन यहाँ पे काम करते हैं वो महीने का कितना कमा लेते हैं और यहाँ पे एवरेज सैलरी कितनी है। सो आपकी सैलरी डिपेंड करती है कि आप कौन सी जॉब यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ जॉब तो होती हैं वो हाई स्किल जॉब होती हैं, जिसमें इंजीनियर की होगी, डॉक्टर की होगी, और बड़ी बड़ी जॉब जिसमें आपको रशियन लैंग्वेज चाहिए होती है, इसमें आपकी कमाई अच्छी हो जाती है। इसमें आपकी 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक कमाई इसमें हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि नॉर्मल जो जॉब होती हैं, जो ज्यादातर इंडियन यहाँ पे आके करते हैं, उसमें कितनी कमाई होती है। उसमें आपकी कमाई 40,000 से लेकर 80,000 के बीच बीच हो जाती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से फील्ड में जॉब कर रहे हो। अगर आप होटल में जॉब कर रहे हो तो आपकी कमाई 60,000 से 70,000 हो जाती है। और अगर आप टैक्सी चला रहे हो, उसमें भी आपको रोज 3500-4000 रूबल बन जाते हैं आपके रोज के। यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए रशियन लैंग्वेज आनी जरूरी है। बेशक आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, आपको अच्छी इंग्लिश आती हो, पर वो सब बेकार है रशिया में। तब जॉब के लिए रशियन लैंग्वेज होना बहुत कंपलसरी है। मतलब अगर आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती तो आपको कोई अच्छी जॉब यहाँ पे मिलना नामुमकिन है। तो सबसे पहले आपको रशियन सीखनी पड़ेगी कोई अच्छी जॉब के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन जो नॉर्मल जॉब यहाँ पे करते हैं वो 60-70 हज़ार महीने का बचा लेते हैं। 8 से 10 घंटे का काम होता है, कभी कभी 12 घंटे की शिफ्ट भी होती है, 10 से 12 घंटे की। तो अगर आप 6 दिन काम करते हो, आराम से 70-80 हज़ार रुपया महीने का यहाँ पे कमा लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे रशियन की मिनिमम सैलरी कितनी है। एक एवरेज के अनुसार जो यहाँ पे सफाई कर्मी है, जो सफाई का काम करते हैं, उनकी एवरेज सैलरी है 17,000 रुपये। और जो वर्कर या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनकी एवरेज सैलरी है 59,000 रुपये। ये 10% हर साल बढ़ती रहती है। ये तो है रशियन की जो यहाँ पे काम करते हैं। ये तो बात हो गई कि आप यहाँ पे कितना कमा लेते हो। अब खर्चे भी जान लो। अगर आप यहाँ पे अकेले रूम लेके रहते हैं तो जो रेंट आता है वो 25 से 30 हज़ार रूबल महीने का रेंट आता है। आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आप यहाँ तो किसी पार्टनर के साथ रह सकते हैं, तो आपका खर्चा आधा आधा हो जाएगा, या फिर आप हॉस्टल में रह सकते हैं। हॉस्टल का किराया जो है महीने का 5 से 6 हज़ार रूबल आता है। तेरा खर्चा जो यहाँ पे होता है वो होता है खाने पीने का। खाना पीना यहाँ पे थोड़ा महंगा है। अगर आप सामान लेके, ग्रोसरी लेके खुद यहाँ कुक करते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ट्रैवल यहाँ पे इंडिया जैसा ही है, सेम ही है। रशियन हफ्ते में कितने दिन काम करते हैं? रशियन हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करते हैं, 2 से या 3 दिन। और इंडियन जो है ज़्यादातर यहाँ पे 6 दिन काम करते हैं और एक हॉलीडे करते हैं। और जो रशियन की सैलरी है वो इंडियन के सेम ही है। मतलब इनका ये नहीं है कि इनको सेव करके रखना है, जो जो ये जितना भी कमाते हैं उसको खर्च कर देते हैं अपने हॉलीडे में। और जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो काफ़ी सपोर्ट करती है यहाँ की पीपल को, और वो काफ़ी सब्सिडी देती है। चाहे तो एजुकेशन की बात कर लो, चाहे और कोई भी घर लेना हो, सब में बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलती है। और रशियन जो है कि वो अपने रशियन पासपोर्ट पे कोई भी चीज़ फाइनेंस पे ले सकते हैं। चाहे तो वो आईफोन हो गया, चाहे कोई गाड़ी ले लो, वो कुछ भी यहाँ पे फाइनेंस में मिल जाता है। अगर आपके पास रशियन पासपोर्ट हो तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं, 5-10 लाख रुपया आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आपके पास रशियन पासपोर्ट है। सो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आप रशिया में कितना कमा सकते हैं और यहाँ पे खर्चा कितना हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।